नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर नगर की आजादी की जंग में जो स्थान मेवाड़ का है, वही स्थान उत्तर भारत में रुद्रपुर के 87 स्टेट का है। यहां का बुलंद किला, 87 राज पैलेस 1897 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का जीता जागता उदाहरण है। इसी किले से राजा उदय प्रताप नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। इसके चलते रुद्रपुर के नरेश को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और क्रोध की जो ज्वाला मंगल पांडे ने बैरकपुर में चलाई, उसकी लपट गोरखपुर तक पहुंची। क्रांतिकारी नेता जाफर मोहम्मद हसन ने क्रांतिकारियों की मदद को 87 राज के नरेश राजा उदित प्रताप नारायण सिंह के पास अपना दूत भेजा था। उन्होंने हसन के दूत से कहा कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा लक्ष्य इन अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना है। जब मोहम्मद हसन की क्रांतिकारी सेना राप्ती नदी के किनारे पहुंची तो 87 राज के सैनिक उनका साथ देने को तैयार हुए। उस समय गोरखपुर के तत्कालीन वानट मजिस्ट्रेट मिस्टर वर्ड ने प्रयास किया कि राप्ती नदी में नाव को डुबो दिया जाए ताकि हसन की सेना गोरखपुर सदर में दाखिल ना हो पाए। मोहम्मद हसन ने 87 राज की मदद से गोरखपुर पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन तक गोरखपुर पर क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। गोरखपुर के क्रांतिकारियों के पास सैनिक साधन कम होने के कारण गोरखपुर पर फिर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी। उदित नारायण ने भारत माता को आजाद कराने के लिए बलिदान देकर रुद्रपुर के 87 स्टेट की माटी को अमर कर दिया। आज भी इस किले का जीता जागता उदाहरण आपको 87 स्टेट पैलेस रुद्रपुर में देखने को मिलेगा, जो रुद्रपुर बस स्टैंड के समीप है और राजघराने की उत्तराधिकारी राजकुमारी कादंबरी सिंह है। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल व तरुण राव चंदेल की स्पेशल रिपोर्ट। यह खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।